बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हम ब्रांड एनालिटिक्स शीट से किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ठीक है, किसी भी मार्केट में आप ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक अच्छे कीवर्ड आएंगे जिनको आप मैग्नेट पर जाके या अमेजोन पर जाके सर्च करेंगे तो आपके पास अच्छे एक गोल्डन प्रोडक्ट निकालने की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया सर उसामा मलिक ने बताया था और इसको मैं अप्लाई करता हूँ अभी। ये मैं वो कॉलम्स हाइड कर रहा हूँ जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ, एक कॉलम इंसर्ट किया है मैंने, उसका नाम मैं रख देता हूँ जी वर्ड और काउंट। ये वर्ड काउंट हमें हमें बताएगा कि सर्च टर्म के जो कॉलम में और सेल में कितने वर्ड यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, देन मैं ये एक अप्लाई कर देता हूँ फार्मूला, इसका मैं सेल रेफरेंस ठीक कर रहा हूँ C3 और इधर भी C3। ठीक है, यहाँ पर C3। अब ये देखें जी C3, ये C का कॉलम है और थर्ड रो है, इसको कहते हैं C3। ठीक है, इसका सेल रेफरेंस दिया है मैंने, हमें एक दफ़ा सेल रेफरेंस सेट करना है, उसके बाद ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपको ये बॉक्स के एंड पे, आप इस पे अपना कर्सर लेके जाकर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरी शीट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अभी पूरी शीट पे अप्लाई हो गया। अब मैं उन कॉलम्स को के जो हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ जिन पे मुझे फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरे लिए आसानी होगी देखने के लिए, और अब मैं इस पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसमें फिल्टर में अपना जो क्राइटेरिया है वो सेट कर देता हूँ जो कि उसामा मलिक साहब ने बताया हुआ है, और सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है जी 1 से 6,000 तक, बिटवीन ये आ जाएगा जी 15% से 25% तक, फाइव परसेंट तक। अच्छा जी, ये आ जाएगा 15% से 20% तक सेकंड कन्वर्जन शेयर, इधर आएगा 20%। ठीक है, और थर्ड कन्वर्जन शेयर जो है वो हमारा आएगा 10% से लेके 20% तक। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कीवर्ड निकल आए हैं जी 205 आउट ऑफ 1,40,491, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें से सर्च कर लेते हैं जी हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, मिड टेल कीवर्ड चाहिए या शॉर्ट टेल कीवर्ड चाहिए। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड देखने हैं तो 1 पर क्लिक करके ओके कर दें, ये हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड आ गए, कितने हैं जी 37 है। ठीक है, और अगर हमें मिड टेल कीवर्ड्स चाहिए तो हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करते हैं, 2 पे चेक लिस्ट लगाते हैं और क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये 2 2 कीवर्ड्स आ गए जो कि 2 वर्ड काउंट में है, इसको हम मिड टेल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, अब हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए तो वो 2 से अबव होते हैं, तो हम 3, 4, 5, 6 ये जो चारों हैं ये लॉन्ग टेल में आ जाते हैं, तो मैं 3 वाला देख लेता हूँ, ये हमारे पास लॉन्ग टेल है, कितने हैं 45 है। इसी तरह अगर हमें 4 वाले देखने हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 4 वाले आ गए और ये 5 वाले। अब आप क्या करेंगे, आप ये जो कीवर्ड जो भी आप जिस पे भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से पिक करेंगे और जाके अमेजोन पे सर्च करेंगे। ठीक है, और उसको फिर एक्सरे उस पर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके वैल्यूएबल रिजल्ट्स बहुत बहुत मेरे लिए तो बहुत वैल्यूएबल रिजल्ट्स ड्राइव हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये टेक्निक शेयर की जाए जो कि सर उसामा मलिक साहब ने बताई थी, तो आप सब भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।